नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अखिलेश यादव के चिरकुट नेता वाले बयान पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने दिया जवाब। अब तक की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तकरार बढ़ गई है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के बयान के बाद बीते दिन अखिलेश यादव ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में ने बुलवाई। वहीं दोस्तों, अखिलेश के इस बयान के बाद अजय राय ने भी प्रतिक्रिया दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के चिरकुट वाले बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मैं एक आम आदमी हूं, वह जो शब्द चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे स्वीकार है हर शब्द जो वह मेरे लिए प्रयोग करते हैं। अजय राय ने आगे कहा कि मेरा बस ये अनुरोध है कि अगर हम मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें यानी अखिलेश को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। वहीं दोस्तों आगे कहा कि ठीक वैसे ही जैसे हमने घोसी में उनका समर्थन किया था। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा का कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। ऐसे में अखिलेश यादव ने बीते दिन कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वो अजय राय द्वारा लगातार दिए जा रहे बयानों से भी खपा थे। उन्होंने बिना नाम लिए यूपी कांग्रेस के चीफ को चिरकुट नेता तक बता डाला। अखिलेश ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि वह अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश ने अजय राय को छोटा नेता करार देते हुए कहा कि वह न तो मुंबई की मीटिंग में थे और न ही पटना की मीटिंग में, और न ही उन्हें इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ पता है। अखिलेश यादव ने एमपी चुनाव में कांग्रेस के रवैये पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर नहीं। ऐसी जानकारी हमें पहले नहीं थी, अगर होती तो हम कभी मिलने नहीं जाते। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, एक नया विवाद छिड़ गया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता को चिरकुट नेता कह दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। अब तक की बड़ी खबर।